आज देश भर में हरे हरे जिले में जो जल्लोष मनाया जा रहा है उसकी वजह यह है कि ये देश लोकशाहीवादी देश है जिसके ऊपर हमारा सब 140 करोड़ लोग जन समुदाय उसके ऊपर निर्भर है। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 26 नवंबर 1949 उन 50 ये दिन हमारे लिए बहुत भाग्यपूर्ण है। आज के दिन इतना भाग्यपूर्ण है सब हमारे देशवासियों को कि जो संविधान पे जो ग्रंथ पे हम चलते हैं सुबह से लेके शाम तक हमारा श्वास हम इस भाग्योदय से हमारे ग्रंथ से चलता है। ये ग्रंथ इतना पवित्र है कि जहाँ से हमारा कल्याण सबका कल्याण सबके अधिकार इसमें समाविष्ट है और इस वजह से हमें ये जल्लोष पूरे भारत में दिख रहा है। क्या मैसेज देंगे आप संविधान दिन पर देशवासियों को? देशवासियों को ये मैसेज है, ये देशवासियों को ये मैसेज है कि ये देश अखंड रहे, ये देश सब संविधान के मुताबिक चलते रहे और अपने हक के लिए जहाँ भारतीय संविधान में डेमोक्रेसी दी है, लोकशाही दी है, डेमोक्रेसी के वजह से तुमको हमको सबको ये अधिकार मिले हैं और ये अधिकार हमें प्राप्त करना है, आगे भी करना है और इस वजह से हमें डेमोक्रेसी के वजह से हमें जो अधिकार प्राप्त हुए उससे कारण हम सब एक है और हमारा देश अखंड रहेगा, आखिरी तक अखंड रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत का संविधान अमर रहेगा, अमर रहेगा। साथ में जो है संविधान दिन पर क्या शुभेच्छा देंगे आप? शुभेच्छा देंगे कि हर शहरी को हर नागरिक की जवाबदारी है कि वो संविधान की हिफाजत करे और उस पर अमल करे। जब तक आप संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं हो पाएगी। आपको संविधान को पकड़ना पड़ेगा और जो ताकतें जो शक्तियां उसको तोड़ने पर लगी हुई है उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब जाके आपकी संविधान रक्षा हुई। आज से पहले संविधान खतरे में नहीं था, आज खतरे में हो गया है। संविधान चलाया जा रहा है, उसको बदलने की बात की जा रही है और संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। हर भारतीय नागरिक की जवाबदारी है संविधान की सुरक्षा के लिए वो रोड पे आए, मैदान पे आए और उसके लिए कदम उठाए। क्या शुभेच्छा देंगे सर संविधान दिन की? आज 26 नवंबर संविधान दिन है, या निमित्तान मी सर्व भारतीयांना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे शुभेच्छा देतो। गेल्या 75 वर्षामध्ये भारतातील सर्व लोकांना लोकशाहीचे फळ चाखायला मिळालेले आहेत। प्रत्येकाला बोलण्याचं स्वातंत्र्य, धर्माचं स्वातंत्र्य, पूजेचं स्वातंत्र्य, त्यानंतर आपले हक्क आणि अधिकार याची जाणीव आता लोकांना झालेली आहे। या देशा हा देश जेवढा हिंदूंचा आहे तेवढाच मुस्लिमांचा आहे, तेवढाच बौद्धांचा आहे, तेवढाच जैनांचा, शिखांचा, पारशांचा, लिंगायतांचा आणि निधर्मियांचा पण आहे। आणि त्यामुळं या धर्माला जे लोक हिंदू राष्ट्र करू इच्छितात त्यांना हे सांगण्याची वेळ आलेली आहे। या देशामध्ये केवळ हिंदू नव्हे तर या देशामध्ये मुस्लिम राहतात, बौद्ध राहतात, जैन राहतात, पारशी राहतात, शीख राहतात, सर्व लोक राहतात। आणि ज्यावेळेस आपण हा संविधान स्वीकारलेला होता त्या संविधानाच्या पहिल्या वाक्यामध्ये आम्ही भारताचे लोक हे संविधान स्वीकारत आहोत असं वाक्य आहे, आम्ही हिंदू असं नाहीये। आणि त्यामुळं त्या लोकांना आजच्या या पथसंचलनातून आम्ही उत्तर देणार आहोत की हा भारत आमचा आहे, हा भारत सर्वांचा आहे। या ठिकाणी दंगली होऊ नये, या ठिकाणी सर्व जातीचा सलोखा राहावा असंच संविधानाला अपेक्षित आहे। त्यामुळं येणाऱ्या 2024 निवडणुकीमध्ये जे संविधानाला मानत नाहीत अशांना सत्तेतून हकलून टाकणे हा आमचा उद्देश आहे। मी सर्वांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद।